आज हम जैकार्ड के बारे में सीखूंगा। हम जैकार्ड सीखेंगे आज, वन बाय वन ए, वन बाय वन बी, और ए हमारा 3 नंबर और 4 नंबर इसकी, और 21 नंबर 22 नंबर, वन बाय वन सी, वन बाय वन डी। आज हम चार स्कीम के बारे में सीखेंगे कि ये चार स्कीम से जैकार्ड कैसे बनाते हैं। पहले हम देखते हैं वन बाय वन। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले तो इसका हम डिजाइन बना लेते हैं। कोई मैंने डिजाइन बना लेता हूँ एक, उसके लिए मैं यहाँ से एक मैंने ऑलरेडी पहले से ग्राफ बना के रखा हुआ था। आप डिजाइन पहले बना लो, फिर उसके बाद हमने ये डिजाइन बना लिया। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी टू इंटारसिया व्यू, इसको हम इंटारसिया व्यू में ले जाएंगे, और इंटारसिया व्यू में इसका हम कलर 1 नंबर और नहीं सॉरी 2 नंबर, इसका 4 नंबर, दो कलर में बना लिए। ये हमारा 2 कलर में बन गया। उसके बाद नेट व्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल जो नेट डालते हैं उस ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हम नेट 1 नंबर लगा देंगे, यहाँ पे हम नेट 1 नंबर लगा दिए। फीडर हमारे वही चलेंगे जो इंटारसिया व्यू में जिस कलर का होगा, हमारा 2 नंबर कलर और 4 नंबर कलर, तो हमारा 2 नंबर और 4 नंबर फीडर चलेंगे। उसके बाद इसका बॉर्डर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 नंबर चाहिए, या मैनुअल भी 10 नंबर यहाँ से लगा सकते हो, या बॉर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा 19 नंबर में, 19 नंबर में, और इसके सामने जाने के बाद यहाँ पर उसमें राइट क्लिक करके सेट बॉडी मार्क पे जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे सेट बॉडी मार्क लग गया। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे रिप्लेस स्टार्टअप, इस पे जाने के बाद यहाँ पे जितने कोर्स का ये हमें रिप बनाना है, बॉर्डर बनाना है, उतना यहाँ पे डाल देंगे। इसका डबल हो जाता है, 2 मैंने डाल दिया था, 4 कोर्स का बॉर्डर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें ऊपर नेट का कोई डिजाइन सेल्फ का बनाना है तो कॉमन नेट रखेंगे, और हमें कोई जैकार्ड बनाना है तो डबल साइड इंटारसिया रखेंगे। उसके बाद रिवॉल्व में हमारा ये बता रहा डेढ़ गेड़े, मतलब तो डेढ़ गेड़े का हमारा जंजीरी बनेगा, तो हम इसको डेढ़ गेड़े का रखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा ये देखिए चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे 10 नंबर डाल देते हैं। उसके बाद इंटारसिया व्यू में जाएंगे। इंटारसिया व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम 16 नंबर में जाएंगे, 16 नंबर में जाने के बाद इस पे राइट क्लिक करूँगा, और उसके बाद 2 कलर का हमने जैकार्ड बनाया तो 2 कलर लेंगे, और यहाँ पे जाएंगे 3 नंबर, वन बाय वन ए। ये हमारे स्कीम आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे पेज लगा देंगे, कि पेज मतलब होता है फीडर का ग्रुप, कि हमारा 1, 2 नंबर और 4 नंबर एक साथ फीडर चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉरी मैंने 1 नंबर लगाना है,
एक नंबर लगा दिया। उसके बाद इसको जहां तक हमारा जैकार्ड है डिजाइन, वहां तक हम इसको कर देंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे यार्न फीडर सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेज नंबर देखो, यार्न फीडर ग्रुप सेटिंग, ये उसी फीडर की बात कर रहा जो हमने इंटारसिया व्यू में दिया हुआ है, 2 नंबर और 4 नंबर। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1 पे हम ऑटो 1 करेंगे तो हमारा 4 नंबर और 2 नंबर फीडर आ गया, क्योंकि हमने इंटारसिया व्यू में यहाँ पे 4 नंबर और 2 नंबर फीडर दिए हैं। ये हमारा इंटारसिया व्यू में जैक फीडर का काम करता है, जैकार्ड का, और नेट व्यू में हमारा नेट का काम करता है, नेट बनाता है। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे, प्रोसेस करूँगा तो ये सेव मांगे, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, उसके बाद हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। सिमुलेशन देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर एक यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो वर्क, फिर रॉ पे क्लिक करने के बाद सिमुलेट, यहाँ पे जाने के बाद ओके कर देंगे। अभी इसको प्रोसेस नहीं किया, प्रोसेस करेंगे पहले, इसीलिए नहीं हो रहा था। अभी हमारा बता रहा है यार्न फीडर नॉट रिसेट 5 नंबर, हमारा 5 नंबर फीडर वापिस नहीं जा रहा, तो इसके लिए हम पहले इसको, ये हमारा बता रहा 5 नंबर फीडर नहीं वापिस जा रहा। ये देखिए यहाँ तक नहीं वापिस जा रहा, तो यहाँ से हम इसको एक निट कम कर देंगे। एक रो हमने Ctrl 1, यहाँ से एक निट कम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कटाई का फेडर भी चेंज कर देता हूँ, कटाई में हमने 8 नंबर रख दिया, ये 17 नंबर में फीडर लगता है, 17 नंबर लाइन में। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको हम इसका सिमुलेट, ये हमारा फ्रंट साइड में ऐसे बन गया, और बैक साइड इसका देखेंगे बैक साइड में हमारा ये 1 बाई 1 बन गया। 1 बाई 1, पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर। इधर देखिए 2 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर, ये हमारा 1 बाई 1 हो चल गया। इसके बाद हम अब हम गए 16 नंबर पे, राइट क्लिक, टू कलर, 1 बाई 1 A, आप देखेंगे 1 बाई 1 B। 1 बाई 1 B के लिए यहाँ पे स्कीम में केवल 4 3 नंबर की जगह पे 4 नंबर कर देंगे, बाद बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। उसके बाद ओके कर देंगे। अब इसको देखेंगे सेम, बाकी सारा कुछ जो पहले सेटिंग किया हुआ था बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, इसमें केवल स्कीम चेंज करके देख रहा हूँ।
ये देखिए सेम बना। उसके बाद में बैक नेट देखेंगे, बैक में भी सेम बना। पांच नंबर दो नंबर, पांच नंबर दो नंबर, बैक में भी सेम बना और फ्रंट में भी सेम बना। उसके बाद अगली स्कीम देखेंगे 21 नंबर। पहले 16 नंबर में गए, टू कलर 21 नंबर, वन बाय वन सी 21 नंबर लगा दिया यहाँ पे। अब हम 21 नंबर लगा देते हैं, उसके बाद ओके करेंगे, बाकी सेटिंग सेम रखेंगे, बस स्कीम चेंज करके देखो। उसके बाद ये देखिए फ्रंट में भी सेम बना और बैक में देखेंगे। तुम्हारा बैक में भी सेम बना, जैसे वन बाई वन ए वन बाई वन बी में बना, वैसे वन बाई वन सी में भी बना। और हम इसके बाद देखेंगे वन बाई वन डी में लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ 16 नंबर पे और कंट राइट क्लिक करके यहाँ पर गए डी नंबर में, वन बाई वन डी। अब हम इसको भी कॉपी कर लेंगे पूरे में 22 नंबर, बाद बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। उसके बाद ओके करेंगे। अब इसमें बता रहा डेंजर निडिल टॉप, ये क्यों बता रहा ये देखता हूँ। हाँ यहाँ पर इसमें डेंजर निडिल इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे स्कीम में गलत लग गया। स्कीम टू कलर वन बाई वन डी लगाना है, तो यहाँ पे लग गया था ये गलती से 22 नंबर यहाँ से, तो इसको फिर से स्कीम सही करके लगा लिया। उसके बाद बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद इसका सिमुलेट देखता हूँ, सिमुलेशन इसका सिमुलेशन कैसा बनेगा। ये हमारा फ्रंट साइड बना, बैक साइड देखते हैं। बैक साइड भी सेम बना। आज हमने सीखा इस क्लास में, इस वीडियो में, ये हमने चार वन बाई वन, वन बाई वन बी और वन बाई वन सी, वन बाई वन डी, चार स्कीम के बारे में आज सीखा। मैंने पिछले वीडियो में इम्पटी निडिल और सेलेक्ट ऑल दो सेटिंग के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में मैंने चार स्कीम के बारे में बताया। ये जैकार्ड की स्कीम होती, उसके बाद आगे मैं सारी स्कीम एक एक करके आपको बताऊंगा।